स्वागत है हम और एक नई वीडियो में। तो दोबारा से लेके आ चुके हैं और एक न्यू रिएक्शन वीडियो। अभी हम लोग जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है द पेन ऑफ रिग्रेट। इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। और ये जो ओरिजिनल वीडियो जिसपे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसके अगर तुम ओनर हो या फिर तुमने ही बनाया है, जो भी कह सकते हैं, अगर वो तुम हो और तुम्हें मेरे रिएक्शन करने से दिक्कत है तो तुम कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे किसी तरह भी बता सकते हो। विद इन 24 आवर्स हम वीडियो को हटा देंगे, स्ट्राइक मत मारना। चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस सीधे हॉस्पिटल से जरूरत, ऑपरेशन थिएटर। तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इस हॉस्पिटल में कैसा आया और वो तो सोच ही रहे हैं। क्यों बना रखी है? क्योंकि मैंने अपना फोन इस लवेंडर को देके बहुत बड़ी गलती की है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस चीज से हमें एक चीज सीखने मिलता है कि अपना फोन किसी को भी देना, अपने दोस्तों को कभी मत देना। शुभम, शुभम, अबे शुभम, कहाँ खोया हुआ है? क्लासरूम से स्टार्ट हुआ है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ लड़की का चक्कर। यार ये कितनी क्यूट है। एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ा बनाया है, बिल्कुल जैपनीज एनिमे की तरह लग रहा है, फील दे रहा है बिल्कुल उस तरह का। जब मैं स्कूल में था, नजर पड़ते ही अपना नजर हटा लिया और वो जब भी मेरे सामने से गुजरती थी तो मेरे सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते थे एंड माय माइंड गेट्स कंप्लीटली ब्लैंक। बट मुझे आज तक इस चीज का रिग्रेट है कि मैं उसे कभी बता नहीं पाया कि वो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन उससे वैसे ये एरन एगर जैसा क्यों दिख रहा है? बाल बड़ा किया हुआ है, ड्रेस भी उसी तरह का है। प्यार ना मिलने की वजह से ये पूरी दुनिया को तबाह करने इतने निकल चुका है। फ्रीडम। उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मुझे उसका घर भी पता है कि वो कहाँ रहती है, बट शी नेवर कम्स आउट फ्रॉम हर होम एंड शायद वो कोई सोशल मीडिया ऐप यूज भी नहीं करती जिससे मैं उसके साथ ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकूं। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसे कोई पसंद है या उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, सब भोला जानता है। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था और बहुत ही ज्यादा शर्मिला बच्चा था, मतलब जैसा कि हर कोई होता है, अधिकतर का बात कर रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट जब 9th या 10th या उससे नीचे क्लासेस में रहते हैं वो नर्वस रहते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट साइड कुछ कुछ होते हैं लड़के जो आराम से फ्रीली सबसे बात कर लेते हैं। शुभम। हाँ सुनो, बोल रहे थे प्रोजेक्ट में ये ड्राइंग चाहिए था, बना दोगे क्या? क्यों नहीं बनाएगा, ये इसी पल का तो इंतजार कर रहा है। बनाने का मन ही नहीं कर रहा, बट ये इतने प्यार से बोल रही है और इसे मैं मना कर दूंगा तो इसे अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा ये दे दो, हम तुमको रिसेस के बाद दे देंगे। यप, कोई मुझे कुछ भी काम बोलता था मैं किसी को मना नहीं कर पाता था एंड जस्ट लाइक अनदर टिपिकल इंट्रोवर्ट लड़का, मेरी लड़कियों से बात करने में फटती थी, मतलब मुझे खुद नहीं पता रहता था कि मैं उनके सामने क्या बोल रहा हूँ। बस बोलते तो जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था एंड लगभग हमारे क्लास के सारे बच्चे किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे इसको थे छोड़ के। तो क्लास लगभग खाली था और हम लोग होंगे कुछ 6-7 नल्ले बेरोजगार बच्चे जिन्होंने किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंट्रोवर्ट बच्चा कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। वाज आवर क्लास मॉनिटर एंड उसने बोला कि हम लोग क्विज खेलते हैं, सो वी ऑल एग्रीड ऑन इट एंड मुझे ढंग से याद नहीं है बट क्विज खेलते समय वो किसी और से सवाल पूछ रही थी और जाने अनजाने में वो मेरे इतने क्लोज खड़ी थी कि नर्वसनेस में मैं अपने पैर हिला रहा था एंड देन मैंने बेंच पे पैर मार दिया और उस बेंच से उसे चोट लग गई और इसकी वजह से उसे मुझ पे पहली बार और आखिरी बार बहुत गुस्सा आया था। आखिरी बार क्या? हमेशा इसको क्या बोलते हो? सुअर ना? तुम वही हो वो, तुम लोग हमेशा इसको क्या बोलते हो? सुअर ना? हमको चोट लगा तो हम तेरा बेइज्जती कर रहे नहीं, पूरे क्लास को बता कर रहा है कि तुम, हाँ तुम इसे क्या बोलते हो? हाँ ये वही है, तुम बिल्कुल सही बोलते हो, तुम बिल्कुल सही बोलते हो। पूरा क्लास के सामने इस तरह का बेइज्जती, वो भी बेंच से हल्का चोट लगने पे, मैं ना सहता। यप, उसने मुझे स्वर बोल दिया था और उस दिन जो मुझे अपने दिल में दर्द हुआ मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकता। अच्छा यानी ये कुछ नहीं किया? क्लास में मुझे सभी लोग स्वर या काला स्वर बोल के चिढ़ाते थे एंड शी नेवर कॉल्ड मी दैट बिफोर दैट डे एंड शी इज नॉट इवन रॉन्ग, मेरी हरकत ही वैसी थी और अगर उसके जगह पे कोई और होता तो सिमिलर सी चीज बोलता। नाक में आइसक्रीम। प्लीज कमेंट्स में अपनी सिमिलर स्टोरी शेयर करो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। मैं ही अकेला मेरे साथ क्यों करूं? कुछ नहीं हुआ। सो बैक टू द टॉपिक। मैं इंट्रोवर्ट, हम भी थे लेकिन इतना बेइज्जती कभी नहीं हुआ। 10th खत्म करूंगा, आई विल मेक माईसेल्फ सो रिलायबल कि लोग मेरे ऊपर रिलाय कर पाए और लोग मेरे अपने दिल से रिस्पेक्ट करें। हां दिल तो अपना ही होता है गांडू,
So I joined a gym nearby and started to train myself and started to read and listen audiobooks and also started to focus on my goals. यानी कि तुम बोल सकते हो I started to take pain of discipline rather than taking pain of regret. So धीरे धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा एंड मुझे अब किसी भी इंसान चाहे लड़का लड़की या LGTV से बात करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं. LGTV. So 10th पास करने के एक साल बाद मुझे कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं जो हमारे पुराने स्कूल किसी काम से जा रहे होते हैं एंड मैं भी उनके साथ घूमने चला जाता हूँ. तो हम लोग थोड़ी देर के लिए स्कूल के कैंपस में खड़े रहते हैं एंड तभी वहां पर हमारी बायोलॉजी की टीचर पहुंचती है एंड शुभम नाइस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे लग रहे हो. थैंक यू मैम. ये तो फूले नहीं समाया होगा उस टाइम. वहां से चली जाती है एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. उसके बाद भाई मेरे सारे दोस्त टीचर तारीफ कर दिया जो कभी कभी किसी का पहला क्रश होता है उससे ये तारीफ सुना. इसको भी लग रहा होगा हाँ इतने दिनों में हम कुछ तो किए हैं अपने अंदर. और मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता हूँ. मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले. कॉज मैं अपने बुढ़ापे में किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं करना चाहता. भले थोड़े कम पैसे कमाऊंगा बट मैं खुश रहूंगा यार. अच्छा. और मेरा वो दोस्त जो मुझे जबरदस्ती जिम ले गया था और वो लड़की जिस पे मुझे क्रश था वो भले मेरे साथ रहे या ना रहे थैंक्स टू ऑल ऑफ देम आई एम एबल टू चेंज. मेरी अधूरी कहानी सिंगर बन गया. And thanks to all insults from my teacher, friends, crush, relatives, etc. मैंने अपने life में progress किया है and progress करता रहूंगा. वो कहते हैं ना, if you spend your time chasing butterflies, they will fly away. If you spend your time making a beautiful garden, the butterflies will come to you. And if they don't come, you still have your beautiful garden. अरे follow your goals and you will get many holes. hey, क्या कर रहा है? अबे अरे ये कौन है? अरे ये इसके दोस्त ये है मेरा दोस्त. अच्छा अच्छा. बाय द वे फोन देना ट्रिप का पिक्स चाहिए. अच्छा ये ले. अरे मेरे को भी दिखाना. हाँ ये ले देख. अबे ये क्या हुआ? अबे उसको फोन क्यों दिया? क्यों नहीं देना था क्या? तुमको पता नहीं मेरे फोन में वो इन्फॉर्मेशन है. कौन सी इन्फॉर्मेशन? भूल गया क्या? कौन सा? I am Batman. Hi. Bye guys. हाँ, पर भाई पहले तू हॉस्पिटल चल. चल क्या रहा है? कोई वीडियो को स्टार्टिंग देख के लगा था कि इसके दोस्त ने फोन लेके जरूर इसके क्रश को मैसेज कर दिया हो, फिर किसी ऐसे को मैसेज कर दिया हो जिससे इसका बात बन नहीं वाला हो बस. लेकिन नहीं, ये बस फोन लिया और ये पेहोंस और ये बस इतना बोल रहा है कि वो रास खुलने वाले क्या बैटमैन है. हम सोचे थे इमोशनल कुछ होगा. शे तो बस वीडियो में था इतना ही. और ये वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि असली प्लॉट ट्विस्ट तो इसमें था. अगर तुम्हें इस तरह के और मज़ेदार से वीडियोज़ मेरे साथ मिलकर देखना है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब. मिलते हैं हम किसी और वीडियो में.